सुंदरनगर के बीएसएल जलाशय से वीरवार दोपहर एक शव बरामद हुआ है। जलाशय किनारे से जा रहे कुछ लोगों ने शव को पानी में बहते हुए देखा, तो इस बारे में पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर बीएसएल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जलाशय से निकाला और उसका पोस्टमार्टम करवाया। मृतक की शिनाख्त संजीव कुमार पुत्र रामकृष्ण निवासी बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर के रूप में हुई है। मृतक गत 6 मार्च से लापता था। आज सुबह किसी नाम वाले व्यक्ति ने थाना पर सूचना दी कि पुंग के पास सिसमैल के पास झील में एक डेड बॉडी पड़ी है। जब हम मौके पर गए तो वहां पर देखा कि पिछले 6/3/2020 को हमारे पास यहां पे कॉलोनी में एक मिसिंग पड़ी थी। जब उस डेड बॉडी को वहां पे देखा गया तो उसके रिश्तेदारों को वहां पे बुलाया गया तो उनने डेड बॉडी की पहचान की कि यह वही डेड बॉडी है जो 6/3/2020 को कॉलोनी से जो लड़का गायब हुआ था। हमने वहाँ पे उनके रिश्तेदार को बुलाया, उसकी पहचान की, उसके बाद हमने वहाँ मौके के फोटो वगैरह लेके फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा करके उसका बिस्तरा ले प्रिजर्व कर लिया गया है जिसे FSL के लिए भेजना है और डेड बॉडी परिजनों के अंतिम दर्शन के लिए परिजनों के हवाले कर दी।